अंबाला से इनेलो नेता ओंकार सिंह के वकील भतीजे पर फर्जी म्यूटेशन करवाने और फर्जी दस्तावेज बनवाने के आरोपों के चलते शुक्रवार सुबह पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची तो मौके पर इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता एवं अंबाला छावनी से उम्मीदवार रहे ओंकार सिंह और पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा कर दिया। पुलिस को 6 घंटे तक नेताओं के हाई वोल्टेज ड्रामे का सामना करना पड़ा। आरोपी वकील को गिरफ्तार करने पुलिस शुक्रवार सुबह लगभग 5:30 बजे पहुंची तो मौके पर ओंकार सिंह और पूर्व मंत्री निर्मल सिंह पुलिसिया कार्रवाई के आगे अड़ गए, जिसके बाद दोनों नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और विरोध देखने को मिला। लगभग 6 घंटे चले इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता एवं बाला छावनी से उम्मीदवार रहे ओंकार सिंह और निर्मल सिंह के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और इनेलो नेता को सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के चलते हिरासत में लेकर आरोपी वकील का दरवाज़ा खुलवाया। वहीं इस पूरे ड्रामे के दौरान जहां वकील की गिरफ्तारी रुकवाने के लिए दोनों नेता ओंकार सिंह के भतीजे घर के बाहर अड़े रहे, वहीं वकील परमिंदर सिंह घर के दरवाजे बंद कर घर के अंदर ही बैठा रहा। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने वकील को हिरासत में लेने में सफलता हासिल की। जानकारी देते हुए DSP ने बताया कि धारा 420 के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार हुई महिला के बयानों के बाद शुक्रवार को परमिंदर सिंह नाम के व्यक्ति से पूछताछ के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन उनके द्वारा पुलिस की कार्रवाई में बाधा पहुँचाई गई। DSP ने बताया कि फिलहाल परमिंदर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और अगर जांच में इसके खिलाफ सबूत सामने आए तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। पुलिस की भी जित की बात है, मुलजिम का रहा हम लेकर ना जाए। अच्छा, हम गिरफ्तार नहीं करेंगे शामिल देखिए, कोई मुकदमा दर्ज हुआ मेरी नॉलेज में नहीं है और वो पुराना मुकदमा दर्ज हुआ है। उस मुकदमे में इन्होंने एक लेडी कल गिरफ्तार करी। उस लेडी ने कहा कि मैंने कागज अपने परमिंदर सिंह एडवोकेट है, एडवोकेट का काम है कागज तैयार करना। इन्होंने कागज तैयार, वो कह रही कि मैंने परमिंदर सिंह एडवोकेट से कागज तैयार किए। उसके बयान के ऊपर एक अगर क्रिमिनल है उसके बयान के ऊपर सवेरे 5 बजे एक वकील को गिरफ्तार करने के लिए आ गए और गिरफ्तार करने के लिए एक दो बंदे नहीं आए, तकरीबन 25 बंदे आए एक वकील को गिरफ्तार करने के लिए। ये तो सरेआम हरियाणा में गुंडा राज हो गया और सरेआम राजनीतिक दुश्मनी, क्योंकि वो मेरा भतीजा, अगर वो मेरा भतीजा ना होता तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इतने बड़े बड़े मुजरिम घूम रहे हैं, आप उनको तो देख नहीं रहे कि एडवोकेट है और प्रतिष्ठित फैमिली से है। उस एडवोकेट को आप सवेरे 5 बजे 25-30 बंदे गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हो, कहाँ का न्याय है? देखिए, पुलिस की कार्रवाई, हमने तो बातचीत ही करी, आप एडवोकेट है, एडवोकेट की हमने अदालत में एक अर्जी भी लगा दी है भी इसको ऐसे ऐसे परेशान किया जा रहा है, आप उसका इंतजार करो। अगर आपके मन में कोई छल भावना नहीं है, आपका बिल्कुल साफ है, कोई इल विल नहीं है आपकी, तो 10-11 बजे तक इंतजार कर लो,
कोर्ट का जो आदेश आएगा। अब अगर मुकदमा आपने दर्ज किया, मुकदमे में तो परमिंदर सिंह का कहीं नाम नहीं है। एक क्रिमिनल कह रहा है कि मैंने कागज इसे तैयार करा, तो वो कह रहा है मैंने कागज तैयार करे, जो इसने दिए वो कागज मैंने तैयार कर दिए, उसी के पास जा रहे हैं जी हम। अब उसमें क्या कार्रवाई है ये तो पुलिस वालों ने देखना है। पुलिस 100% प्रेशर में काम कर रही है, हमारा किसी से कोई दुर्भावना नहीं है, मंत्री जी का, क्योंकि हम लोकल में जनता की आवाज उठाते हैं। अनिल विज जी इस मामले में मशहूर। कुछ नहीं, देखिए जी, हमें जो तरीका अपनाया गया इनके नेफ्यू के बारे ओंकार सिंह के, ये तरीका गलत है। जिम्मेवार आदमी वकील है, अगर उसके खिलाफ किसी ने मुजरिम ने बयान दिया है तो उसको फ़ोन करके बुलाया जा सकता था, घर में जाना था तो कोई वारंट ले लें दे, कुछ और कर लें दे, कुछ ऐसा कुछ भी तरीका नहीं बनाया गया। ऐसा लगा कि बहुत बड़ी कोई डकैत वहाँ बढ़ रहे हों और सारी कहानी जो हुई है जी, तो ये बात थी। अब एक दूसरे के साथ हम खड़े हैं, ये तो फिर मंत्री जी के स्वभाव को हम जानते हैं, वो तो हमेशा इससे पहले के सर से पढ़ निकले भाई, ये तो ऐसा नहीं चलेगा, लॉ ऑफ लैंड ही अप्लाई होएगा। क्या अब जाओ घर में, कुछ भी नहीं आपके अगेंस्ट, हमने किया क्या था, हमने कुछ भी नहीं किया था। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।